देखिए बॉलीवुड रैप। लॉकडाउन के समय जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट योगा करती हुई दिखाई दी, जिस पर दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने भी रिएक्ट किया है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और तमिल एक्टर सेतुरमन का गुरुवार रात को चेन्नई में निधन हो गया। वे 36 साल के थे। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। इस खबर से परिवार के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेतुरमन को जब हार्ट अटैक आया उस वक्त वो अपने घर पर ही मौजूद थे। इन दिनों सभी कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, इस वजह से सभी बॉलीवुड सेलेब्स भी घर में सेल्फ आइसोलेशन पर हैं। इसी बीच करण जौहर ने अपने बच्चों का वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह दोनों बच्चों से पूछते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। इससे पहले कि यश कोई जवाब देते, रूही बोल पड़ती है और कहती है, नहीं, मैंने पेपा पिग के बारे में सुना है। इसके बाद करण ने यश से दोबारा पूछा कि वह किस बारे में जानते हैं, तो यश कहते हैं जॉर्ज। करण दोनों के जवाब सुनकर कहते हैं, क्लियर है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करण ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उन्हें वर्तमान वातावरण के बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत है। गुड इवनिंग हेलो सनी, इट्स हार्डली अ सनी डे, इट्स रादर ग्लूमी दीस डेज, बट टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ द कोरोनावायरस? हैव यू हर्ड ऑफ द कोरोनावायरस? You haven't heard? What is this acrobat you're doing? Tell us. I heard a Peppa Pig. You heard a Peppa Pig? Mm. Well, that's a little different from what we're all going through right now, which is the coronavirus. You heard. And what have you heard of? George. Actress Manana Karimi ne beach se apni bikini pehne hue kuch video share kiye hain. दिग्गज फिल्म निर्माता एकता कपूर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले सेलेब्स में से एक हैं। वह अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े पल अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं। और अब वह अपनी लेटेस्ट पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया और इन हालातों पर ढेरों मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एकता ने भी एक मीम शेयर किया है। एकता कपूर ने जिस मीम को शेयर किया है उससे फिल्म हातिम ताई के एक सीन से बनाया गया है। सीन में हातिम की भूमिका निभा रहे जितेंद्र सुंदरी से पूछते हैं कि वह अपने चेहरे से नकाब हटा दे। इस पर सुंदरी कहती है कि उसे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा है। हातिम जब जिद करता है तो सुंदरी अपने चेहरे से नकाब हटा देती है। इसके बाद उसका चेहरा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। सुंदरी की बड़ी दाढ़ी और मूंछें होती है और उसके हाथों पर भी बाल उगे होते हैं। मीम के ऊपर लिखा हुआ है, लॉकडाउन के दौरान सभी पार्लर बंद है और ऐसे में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से इस तरह मिलने जाएंगी। एकता ने इस मीम को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, कमाल हो गया, ये बचपन में मेरे लिए मेरे पिता की सबसे पसंदीदा फिल्म थी। एकता द्वारा शेयर किए गए इस मीम को लाखों लोगों ने लाइक और शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा लांबा ने अपने हॉट बिकिनी अवतार शेयर किए हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक वीडियो शेयर किया है, साथ ही लिखा है, आप सोच रहे होंगे मेरी निखरी त्वचा का राज, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग वाला मास्क लगाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिस लोगों को जागरूक करती हुई और जिंदगी मौत न बन जाए गाना गाती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपने परिवार के सहित राधा स्वामी आश्रम डे पर चले गए हैं, जहां सभी के लिए अलग अलग घर भी बनाए गए हैं ताकि लॉकडाउन में वहीं रहा जा सके।
टेलीविजन एक्टर जय भानुशाली ने सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट की है। ट्विटर पर एक शेयर किया है पोस्ट जिसमें लिखा है कि प्लीज पुलिस के डंडे मारते हुए कोई वीडियो शेयर ना करें। इस वीडियो को देखकर जानबूझकर हमें बीबिया मार्केट सब्जियां लेने भेजती है। तो ऐसे ही फॉलो कीजिए बॉलीवुड रैप को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।